मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्रिस्टल नर्सिंग होम की शर्मनाक करतूत, पैसे जमा नहीं कराने पर वेंटिलेटर निकाला, हुई मरीज की मौत। यवतमाल में 8 की मौत, 679 पॉजिटिव। चंद्रपुर में 27 की मौत, 835 संक्रमित। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। क्रिस्टल नर्सिंग होम की शर्मनाक करतूत, पैसे जमा नहीं कराने पर वेंटिलेटर निकाला, हुई मरीज की मौत। इस कोरोना महामारी में शहरों के अस्पताल की लूट और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला पांचपौली पुलिस स्टेशन की हद के सामने आया है, जहां पर क्रिस्टल नर्सिंग होम के डॉक्टर ने भर्ती मरीज के बेटे ने पैसे नहीं भरने की वजह से वेंटिलेटर ही निकाल दिया, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। मरीज के बेटे ने यहां आरोप लगाया है और भाजपा नेता संदीप जोशी के साथ पांचपौली पुलिस स्टेशन में जाकर संबंधित अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता बेसा निवासी प्रणीप दिलीप राव कड़ेकर ने पांचपौली पुलिस से अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पिता दिलीप राव को 21 अप्रैल को क्रिस्टल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। जिस समय अस्पताल में भर्ती किया गया था, भर्ती करते समय ही प्रणीत ने 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए थे। डॉक्टर द्वारा बताए गए इंजेक्शन और दवाई समय समय पर ला कर दी। मरीज के इलाज के दौरान अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें और पैसे भरने के लिए कहा। प्रणीत ने अब तक खर्च हुए पैसों का बिल मांगा तो वहां पर डॉक्टरों ने उनके साथ तू-तू मैं-मैं की और काफ़ी परेशान करने और टाल मटोल करने के बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें बिल दिया। इसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने उनके पिता के बगल वाले मरीज चौधरी के रिश्तेदारी से अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा की गई बातचीत का संभाषणा सुनाया, जिसमें चौधरी का पूरा सपोर्ट सिस्टम निकालने की धमकी डॉक्टरों की ओर से दी जा रही थी। प्रणीत को चेताया गया कि उनके पिता के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वही दूसरी ओर यवतमाल में 8 की मौत, 679 पॉजिटिव। जिले में आज कोरोना से मरने वालों की संख्या तथा पॉजिटिव की तादाद में कमी आई है। गत 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, वही 679 नए कोरोना बाधित पाए गए। 1013 मरीज कोरोना मुक्त हो जाने से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज प्राप्त कुल 8,667 रिपोर्ट में से 679 पॉजिटिव तथा 7,985 निगेटिव है। पॉजिटिव पाए 679 मरीजों में 414 पुरुष और 235 महिलाएं हैं। इनमें वनी के 117, बाबुलगांव के 77, यवतमाल के 66, दारवाहा के 75, पांडरकवाड़ा के 51, पूसद के 50, घाटंजी के 44, दिगरस के 40, झरी जामनी के 38, कलम के 36, नेर के 35, आरनी के 25, महागांव के 18, मोरेगांव के 14, उमरखेड़ के 4, रालेगांव के 2 तथा अन्य स्थानों के 7 मरीजों का समावेश है। तो वही तीसरी ओर चंद्रपुर में 27 की मौत, 235 संक्रमित। जिले में विगत 24 घंटे में 835 कोरोना संक्रमित मिले, वही 27 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 1235 लोग कोरोना मुक्त हुए। एक्टिव संक्रमितों की संख्या 11255 है। जिले में मृतकों की संख्या 1192 पहुंच गई है, जिसमें चंद्रपुर जिले के 1001 लोगों का समावेश है। नए मिले मरीजों के चंद्रपुर शहर के 230, चंद्रपुर ग्रामीण के 70, बल्लारपुर के 79, भद्रावती के 60, ब्रह्मापुरी के 34, सावली के 31, सिंदेवाही के 40, मूल 49, राजूरा 40, चिमूर के 2, वरोरा के 55, कोरपरा में 45, नागभीड़ में 22, गोनपिपरी में 30, जीवती में 8, पोंभुरना के 24 तथा अन्य 11 मरीजों का समावेश है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।